हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ। काफी टाइम से मैं वन प्लस नॉट 2T स्मार्टफोन को यूज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 45 डेज हो चुके हैं और इतने दिन यूज करने के बाद में आज के डेट में मुझे कैसा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है वन प्लस नॉट 2T से, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन उससे अभी तक में थोड़ी बहुत चेंजेस है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि दोबारा इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग इस फोन के कुछ नॉर्मल स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इस फोन में हमें 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। Dimensity 1300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 8GB और 12GB रैम के ऑप्शन के साथ में आता है। बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करो तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और बॉक्स के अंदर में ही आपको 80 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है OnePlus की तरफ से। अब डिटेल में आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीन कैटेगरी के यूजर्स होते हैं फोन यूज करने में। सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि अपने फोन को बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज करते हैं, सिर्फ फोन कॉल्स वगैरह लेना, थोड़ा बहुत फेसबुक, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह यूज करें, अब दिन भर में बस इतना ही। सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि गेमिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते, या फिर करते भी है तो थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए कभी कभार कर लेते हैं, अदरवाइज उसके अलावा काफी ज्यादा हेवी यूजर होते हैं। दिन भर सोशल मीडिया वगैरह यूज करना है, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारा कुछ यूज करना है दिन भर। इसी में ये लोग भी आ जाते हैं जो कि अपने फोन में बहुत ही ज्यादा मूवीज वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह देखते हैं या फिर फोटो वीडियोस वगैरह लेते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि फोन को स्पेशली लेते हैं सिर्फ गेमिंग करने के लिए। वैसे अभी तो BGMI बैन हो चुकी है, लेकिन काफी जल्दी हो सके आने वाली हो, लेकिन उसके अलावा भी PUBG न्यू स्टेट है, उसके अलावा COD हमें देखने को मिल जाता है। तो ये रहे तीन कैटेगरी के यूजर्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं जो कि फोन को यूज करते हैं। अब बताता हूं कि आप किस कैटेगरी के यूजर हो तो आपको किस तरह की बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगी OnePlus Nord 2T से। अगर आप एक फर्स्ट कैटेगरी के यूजर हो, मतलब कि अपने फोन को बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज करते हो, नॉर्मल फोन कॉल्स वगैरह अटेंड कर लेना, ईमेल्स वगैरह का रिप्लाई कर देना, थोड़ा बहुत फेसबुक, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह यूज कर लेना दिन भर में बस इतना ही, तो इस केस में जैसा मैंने कि अभी एक्सपीरियंस किया है, इस केस में आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप देखने को आपको नहीं मिलेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक दिन से ज्यादा का भी बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर बात करें सेकंड कैटेगरी के यूजर को कैसी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी जो कि अपने फोन को बहुत ही ज्यादा रफ यूज करते हैं, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा हेवी यूज करते हो अपने फोन को, तो हो सके आपको एक दिन में 2 से 3 बार भी अपने फोन को चार्ज में लगाना पड़ सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फोन को यूज करते हो। कभी हो सकता है कि आप दिन भर काफी ज्यादा बिजी हो तो ज्यादा फोन को यूज नहीं कर पाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत ही ज्यादा फ्री हो, अपने फोन को दिन भर यूज कर रहे हो। और अब अगर हम लोग बात कर ले थर्ड कैटेगरी के यूजर जो कि है गेमर्स, अगर गेमिंग करने के लिए आप स्पेशली फोन को ले रहे हो, तो बता दो कि मेरे फोन में ऐसे BGMI इंस्टॉल है, पुराने सर्वर वाले चल रही है अभी भी, तो मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है 1 घंटे के कंटिन्यू गेम प्ले में 25 से 26-27% तक की बैटरी ड्रॉप देखने को मिली है मुझे, क्योंकि हीटिंग वगैरह भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है मुझे। तो कुछ इस तरह की आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी OnePlus Nord 2T से। मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप किस कैटेगरी के यूजर हो और अगर आपके पास OnePlus Nord 2T है तो आपको कैसी बैटरी बैकअप देखने को मिल रही है इस फोन से। और वही अगर मैं बात करूं चार्जिंग के बारे में, तो इस फोन के साथ में जैसे कि आपको 80 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, तो वो इस फोन को आराम से 35 मिनट्स के अप्रॉक्स में फुल चार्ज कर देती है 0 to 100%। चार्जिंग के टाइम पे थोड़ी बहुत वार्म होती है, हीटिंग की इशू देखने को नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत वार्म जरूर हो जाती है। तो ऐसे कुछ बैटरी बैकअप और चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है OnePlus Nord 2T ही में। वैसे मैंने OnePlus Nord 2T को OnePlus 8 Pro से कंपैरिजन किया हुआ है, तो उसका भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आपको नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।